अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ डॉक्टर फुरकान और आज एक नए वीडियो सेशन के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि एनिमल की प्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और एनिमल की हेल्थ के लिए एनिमल की न्यूट्रिशन जो है वो ऑप्टिमम होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अगर ये देखा जाए कि हम जो न्यूट्रिशन एनिमल को प्रोवाइड करते हैं उसको अगर एनिमल प्रॉपरली डाइजेस्ट ना करे और उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं उन्हें प्रॉपरली अब्जॉर्ब ना करे, तो हम जितनी भी अच्छी न्यूट्रिशन उन्हें प्रोवाइड कर दें तो एनिमल को उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो इसलिए होता ये है कि जो भी अच्छे फार्मर हैं वो क्या करते हैं कि कुछ अरसे बाद, आफ्टर 2 वीक्स 4 वीक्स, क्या करते हैं कि अपने फार्म के ऊपर जो उनके एनिमल होते हैं उनकी मेन्योर स्कोरिंग करते हैं। मैन्योर स्कोरिंग क्या होता है कि उनका जो गोबर है वो लेके उसको मुख्तलिफ किस्म की छाननी है उससे क्रॉस करते हैं और देखते हैं कि उन एनिमल्स की डाइजेशन कैसी रही। अगर तो वो प्रॉपरली खुराक को डाइजेस्ट कर रहे हैं तो वो अच्छा हमें जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं इन सेंस ऑफ मिल्क और प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, ये आज हमें ये मैन्योर स्कोरिंग जो है ये करके दिखाएंगे कि किस तरह से ये काम करते हैं और उससे उम्मीद करता हूँ कि आपको बेनिफिट मिलेगा। तो डॉक्टर साहब सबसे जी, पहले थैंक यू सो मच डॉक्टर फुरकान साहब। मेरा नाम, अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन कराऊँ, तो मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल अहद बाजवा है और ऑल टेक में मैं एज असिस्टेंट BDM में काम कर रहा हूँ। आज जो यहाँ पे हाजिर होने का मेन मकसद ये था कि हम एनिमल की मैन्योर सिक्योरिंग कर सके। मैन्योर सिक्योरिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि डॉक्टर साहब ने जैसे जिक्र किया कि आपके अगर एनिमल की डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी है तो आपकी इनपुट जो आपकी आउटपुट है वो बहुत अच्छी परफॉर्म करेगी। अगर मेनली अगर इशू आपकी डाइजेशन में आ रहा हो तो लिंकेज करती है आपकी रिप्रोडक्शन को और प्रोडक्शन को, तो ये दो चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। हम इसमें मेनली ये देखते हैं कि आया जो चीज़ हम दे रहे हैं वो कितने परसेंट अब्जॉर्ब हो रही है और कितने परसेंट वेस्ट में जा रही है। तो हमारे पास जो आज टेस्ट है वो मैन्योर एनालिसिस है, जिसको हम मैन्योर सिक्योरिंग कहते हैं। तो आज हम वो करेंगे, बाकी फर्दर जो है हम वो वीडियो में आपको दिखाते हैं। अरे वाह, हाँ जी डॉक्टर साहब बोलते जाए, साथ साथ एक्सप्लेन भी करते जाए क्या क्या चीज़ है ये। अच्छा जी, ये हमारे पास मैन्योर सिक्योरिंग के लिए है और इसको हम एक आम जबान में कहा जाए तो ये बाल्टी है। इसमें हमारे पास 3 सीव्स हैं जिसको हम मैन्योर सिक्योरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जो हमारी सीव्स आती है वो हमारे पास आती है, जो हमने जानवर को खिलाया है वो सेम एज इट इज़ बाहर आ जाता है। इट मीन्स कि हमारे पास बाईपास ह्यूमन स्टे टाइम वहाँ पर हमारे पास ज़ीरो होता है, तो जो जानवर ने खाया है वो पहली सीव्स में आ जाएगा। अच्छा, और इसी अगर इसकी सीव्स का साइज़ देखेंगे तो ये आपके जी बिल्कुल सामने है। अब हमारे पास जो दूसरी सीव्स आती है वो हमारे पास ये मिडल वाली सीव्स आती है। इसका काम यह है कि आपकी दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं इसमें। इसमें एक तो डाइजेशन होती है और एक हमारे पास अनडाइजेस्टेड होता है। अगर इसकी परसेंटेज की बात करें तो हमारे पास 20% से कम इसमें मटेरियल होना चाहिए, जो हम फीसिस कहते हैं या मेन्योर कहते हैं। आगे हमारे पास आ जाती है थर्ड, जो हमारे पास सीव्स आती है इसे कहते हैं डाइजेशन, फुली डाइजेशन। मतलब ये है कि जो जानवर ने खाया है वो अब्जॉर्ब हो के इस सीव्स में आता है, तो इसका जो वेट है वो हमारे पास मोर देन 50% होना चाहिए। जो फर्स्ट वाली का है वेट वो हमारे पास लेस देन 15%, मिड वाली का है लेस देन 20%, और जो एंड वाली है इसका जो वेट है मेन्योर का वो ग्रेटर देन 50% होना चाहिए। अगर हमारे पैरामीटर इसके मुताबिक आते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर इनकी वेरिएशन आती है तो हमारी डाइजेशन में कुछ इशू आ रहे हैं, वो हमारे डाइजेशन में इशू आ रहे हैं कि हमारे माइक्रोफ्लोरा जो र्यूमन के वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे होंगे, र्यूमन की pH है वो डिस्टर्ब हो रही होगी, तो इस लिहाज से फिर हम अपनी डाइट को एडजस्ट करते हैं और एनिमल से मैक्सिमम परफॉर्मेंस लेते हैं। ये एसिडोसिस का भी बताती है जी मतलब। बिल्कुल, हम एसिडोसिस को चेक करते हैं कि हमारे पास एसिडोसिस के केसेस आते हैं। जब हमारे पास डाइजेशन में इशू आ रहा हो, हमारी pH डिस्टर्ब हो रही हो, तो एसिडोसिस, इट मीन्स कि वो एसिडोसिस जानवर सब एक्यूट र्यूमिनल एसिडोसिस, मतलब उसे सारा कहते हैं, जानवर उसमें आ जाता है। क्योंकि pH लिंकेज करती है आपके माइक्रोफ्लोरा की मेंटेनेंस के लिए। अगर मैं आपको आम जबान में समझाऊं तो आपके जो र्यूमन के बैक्टीरियाज हैं वो प्रॉपर काम करना छोड़ देते हैं। जब वो प्रॉपर काम करना छोड़ते हैं तो आपके डाइजेशन में वेरिएशन आना शुरू हो जाती हैं। उसमें किस तरह के आएगा ये रिजल्ट सर? इसमें अगर एसिडोसिस के केस में ये है कि हमारे पास जो अब्जॉर्प्शन है वो कम आना शुरू हो जाती है, लाइक 30 से 35% अब्जॉर्प्शन होगी।
बाकी 70 और 65 के अराउंड हमारी अनडाइजेस्टेड मटेरियल आना शुरू हो जाएगा। तो इट मींस कि हमारी डाइजेशन डिस्टर्ब है, एनिमल स्ट्रेस में है और एनिमल सब एक्यूट रूमिनल एसिडोसिस में है। तो हम उसके मुताबिक अपनी डाइट को चेंज करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने डाइट को मैक्सिमम यूज़ करवाएं और मैक्सिमम उसका आउटपुट लें। ठीक है, करके दिखाएं डॉक्टर साहब फिर। जी मैं इसको करके दिखाता हूँ आपके सामने। हम एनिमल से फ्रेश मेन्योर लेंगे, उसके बाद उसको परफॉर्म करेंगे, जो रिज़ल्ट आते हैं वो आपसे शेयर करते हैं। अब इसको हम परफॉर्म करेंगे वाटर के साथ, के पानी की प्रेशर जो हल्का प्रेशर उसे साफ़ करेंगे, उसके बाद हम इसको बाल्टी में रखे इसको इसकी रोटेशन करेंगे, उसके बाद हमारे पास जो आउटपुट है वो हमारे पास आ जाएगी कि इसमें कितने परसेंट अब्जॉर्प्शन और कितने परसेंट वेस्टेज है। अच्छा जी, ये आप देख रहे हैं जैसे हमने ये बाल्टी में इसको रखा सैंपल को, अब ये है कि हमारे पास पानी का प्रेशर इतना होना चाहिए। अगर ज़्यादा प्रेशर है तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो जो पार्टिकल्स है वो पास आउट हो जाएंगे। तो पानी का प्रेशर, हाँ जी, प्रेशर पानी का इतना होना चाहिए कि आप इजीली उसको परफॉर्म कर सकें। कितनी देर परफॉर्म करना है सर? ये हम इसको एक तो ये कि ये इंडिकेशन हमारे पास आ जाती है कि जो झाग बनती है ये एक्सेसिव प्रोटीन की बनती है। अगर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है तो ये हमारे पास एक इंडिकेशन आ जाती है कि आपके जो कंसंट्रेट है वो उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, तो हम अपनी जो फीड कॉस्ट है उसको भी मेनटेन कर सकते हैं। भी है। जी स्टीयरिंग करनी है क्योंकि जो हमारे पास जो साइलेज और जो रॉ मटेरियल हमारे पास एट द एंड आया, आउटपुट आया, वो ये है कि वो नीचे सीव्स तक निकल जाए। नहीं जी, अभी इसको टाइम लगना है। अच्छा, कितनी देर? इसको हम स्टीर करेंगे 5 से 7 मिनट, क्योंकि एंड जो है वो पानी हमारे पास निकलना चाहिए। ये जैसे आप देख रहे होंगे इसकी जो इसको घुमाने का तरीका है वो ये है कि आपकी रोटेशन मैक्सिमम होनी चाहिए और आपके जो रॉ मटेरियल है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो अच्छे से वॉश आउट हो जाएं। जी ये परफॉर्म हो गया, इसका जितना पानी था वो निकल चुका है। अब हमारे पास जो एंड रिज़ल्ट है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जी ये हमारे पास जो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये बाईपास है, इस सीव्स में हमारे पास जितना भी मटेरियल आएगा वो बाईपास आएगा। इसमें जो देख मतलब क्या है, यानी डाइजेस्ट नहीं है, ये बाईपास होके ये ह्यूमन स्टेट टाइम इसमें बिल्कुल नहीं है, जो खाया है वो वैसे ही बाहर आएगा, यानी कि ये हजम नहीं हुआ, ये हजम पोर्शन नहीं है, जानवर ने इसमें से कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, जो आपने दिया उसमें से उसने ये वाला जो पोर्शन है ये निकाल दिया, रिफ्यूजल रिफ्यूजल के तौर पर।
ठीक है जी। अब हमारे पास आ जाती है, इसको कहते हैं पार्शियल डाइजेशन। अच्छा। इसमें आधी डाइजेशन हमारे पास होती है और आधी हमारे पास वेस्टेज होता है, लेकिन हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये डाइजेशन ही से कहते हैं। इसका जो सब है, अगर हम मोर देखेंगे, ज़्यादा अगर अगर अच्छी क्वालिटी और अच्छा रिजल्ट देखें तो ये हमारे पास ये ज़्यादा होना चाहिए। इसको कहते हैं ये काम है, डाइजेस्टेड है, ये फुली डाइजेस्टेड है, ये पार्शियल डाइजेशन है, और इसको कहते हैं वेस्टेज, जो जानवर की वेस्टेज है। अब हम इसमें जो मजीद चीज, परसेंटेज कितनी कितनी होगी इसकी अभी? इसकी 15% से कम होना चाहिए। और ये कितना है अभी? ये 20% से कम होना चाहिए, और ये हमारे पास मोर देन 50% से ज़्यादा होना चाहिए। अभी जो पहले वाला उसमें कितना है जी? इसमें अगर हम कैलकुलेट करें, हम अगर हमारे पास वो वेट मशीन आ जाए तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अंदाजन क्या? अगर अंदाजा लगाया जाए तो ये 15% से ज़्यादा है। ज़्यादा है ये। ठीक है जी। ये हमारे पास 20% से ज़्यादा है, ये लग रहा है 20%। ठीक है जी। और ये हमारे पास 50% से कम है। ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये हमारे पास आ जाती है स्लाइम की लेयर। ठीक है। जो एनिमल हमारा एसिडोसिस की तरफ जा रहा है उसको ये इशू है। ठीक है। मतलब आपकी जो र्यूमिनल एक्टिविटी है वो लेस डेफिशिएंट है, आप उसको ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं अपनी डाइट को चेंज करके। ठीक है। तो ये हमारे पास एक साइज़ आ जाता। दूसरा ये है कि हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो कॉर्न का साइज़ है, एक तो वो प्रॉपर ग्राइंडेड नहीं है, उसके बाद ये है कि अगर ये साबत आ रहा है तो ये है कि ये ज़्यादा पकी हुई है। अगर ये अपनी मिल्किंग स्टेज पे होती है तो ये ज़्यादा क्रश में होती है, क्रशिंग इसकी क्रश किया जाता है और इसको बाद एनिमल इसको अब्जॉर्ब करता। अब हमारे पास जो मिडल में आ जाता है, इसका ऑब्वियसली वेट ज़्यादा है, और इसमें एक पॉइंट ऑफ कंसर्न जो मेजर है वो ये है हमारे पास स्टार्च। ये जो आपको छोटे छोटे दाने नज़र आ रहे हैं, ये मकई का इंटरनल पार्ट आप कह लें कि ये जो मेन चीज़ है वो ये है, ये अब्जॉर्ब होनी चाहिए। ये हर एनिमल में आती है, लेकिन ये जितनी इसमें क्वांटिटी में आ रही है इतना इतना नहीं आना चाहिए। इसका जो रिज़ल्ट है इसमें इसमें ऑब्वियसली इसमें जो मेजर इशू है वो डाइजेशन का ही आ रहा है। ठीक है। सेकेंडरी चीज़ ये देखा जाए कि हमारे पास जो साइलेज है वो प्रॉपर, उसका फाइबर साइज़ भी अफेक्टेड है, उसका फाइबर साइज़ भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। दूसरा तीसरी बात यह है कि इसमें जो हमारे पास मकई आ रही है, मकई की जो हार्वेस्टिंग है वो स्टेज पर है कि ये पका हुआ दाना है, उसको हम मिल्किंग स्टेज पे करें या आइडियल स्टेज पे करें कि हम उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्राइंड कर सकें। अब जो हमारे पास जो डाइजेस्टेड आ जाता है उसमें मेन कंसर्न है हमारे पास कि जो स्टार्च है वो मैक्सिमम आ रही है। स्टार्च को हमें मिनिमाइज़ करना चाहिए, लेकिन हाँ एनर्जी मिले, क्योंकि हम फार्मर को आम जबान में ये कहते हैं कि जो आपका दूध है वो गोबर में आ रहा है, अगर आप इसको मैक्सिमम अब्जॉर्ब करवाएंगे तो आपकी मिल्क प्रोडक्शन में ज़्यादा इफेक्ट आएगा। और इस तरह के रिजल्ट के लिए आप क्या रिकमेंडेशन देंगे कि आप क्या करना चाहिए? सर इसमें यह है कि आप सबसे पहले तो यह है कि जिनसे ये कंसल्ट करते हैं अपने न्यूट्रिशनिस्ट से, उनसे अपनी डाइट के बारे में देखा जाए। जो मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि जो हमने झाग देखी है वो ये है कि झाग जो है वो ज़्यादा आ रही है, तो प्रोटीन कंटेंट भी ज़्यादा है। इसके बाद हमारे पास फाइबर को ज़्यादा, साइलेज को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो चॉपिंग करनी चाहिए। ठीक है। बेहतरी के लिए यह है कि आप अपनी जो डाइट है उसको मेंटेन करवा सकते हैं न्यूट्रिशन से, मैक्सिमम न्यूट्रिशन उसको जितनी आप उसमें अप एंड डाउन कर सकते हैं कि आपको लगे कि हमारी इसमें बेहतरी आ सकती है, तो वो आप अपने न्यूट्रिशन से गाइड कर सकते हैं।